हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेमरेज डॉट कॉम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम किसी भी पेपर को देने जाते हैं तो हम प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखते हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स को ज़रूर देखते हैं। तो जो KVS PRT है, जो सिलेबस के लिए है, ये हमारा PRT KVS ने जो हमें सिलेबस, न्यू अपडेटेड सिलेबस जो हमारे सामने आया है 2018 में, उसके बेसिस पे हमारा एक ही पेपर हुआ है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हमारा, उसके अकॉर्डिंग इन द सेंस उसके ऊपर एक ही पेपर हमारा हुआ है 2018 का। अब दूसरा पेपर होगा 2020 का। तो अब इस पेपर को देने से पहले हम प्रीवियस ईयर ज़रूर देखेंगे। और इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारे भैया EVS में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा गया था और कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया था। तो अब कहते हैं ना कि EVS में कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़े, या ये सारी चीज़ें, इसमें डाउट क्लियर मैं अभी आपको करती हूँ। बने रहिएगा वीडियो के साथ, एंड तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से टॉपिक से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 131 से स्टार्ट हुआ था EVS का, 131 से 150 तक। तो इसमें देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैं आंसर्स नहीं बता रही हूँ यार, आंसर्स हम बाद में कर लेंगे। आंसर्स में टाइम वेस्ट करने के, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी। तो ये जो लैटिट्यूड है, तो ये पूछा गया था हमारा लैटिट्यूड से, जो कि अर्थ का पार्ट है। मैं अभी आपको सिलेबस में दिखाऊंगी ये कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि पॉपुलेशन से पूछा गया है। तो पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है वो मैंने अभी आपको कंप्लीट करके दिया है, पिछला रिसेंट अभी जो वीडियो अपलोड करी थी 2 दिन पहले, एक 2 दिन पहले, उसमें मैंने आपको ये पॉपुलेशन का पूरा टॉपिक कराया हुआ है। तो उसको वहाँ से ज़रूर करिएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इज़ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रही हूँ कि पॉपुलेशन वाला, सेंसस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। सिर्फ KVS PRT में नहीं, सिलेबस में दे रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगेन सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप फिर देखिए सेंसस से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है पैरल्स आर ड्रॉन मार्क्ड ऑन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। देखिए ये जो है आपका अर्थ से पूछा गया है, और अर्थ में ये टाइम से पूछा गया है। दिखाऊंगी मैं आपको टाइम कहाँ पे मेंशन और सिलेबस में कहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर नाइट्रोजन गैस। ये एयर से पूछा गया है, बस आप देखते चलिए, ठीक है। एयर से क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और इसका आंसर भी 78% है, बहुत ही जनरल सा, बहुत ही कॉमन सा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है हमारे एनवायरमेंट में। तो 78% है, सभी को पता होगा। तो ये एयर से पूछा गया है। नेक्स्ट आपका अगेन सेंसस से पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन सेंसस से निकल के आया। उसके बाद है कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी लैंड यानी कि समुदाय की भूमि, जो हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये लैंड रिसोर्सेज से पूछा गया है। तो नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सा नहीं, किस किस टॉपिक से पूछा गया है। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, लैंड रिसोर्सेज से पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, मोनार्की मोनार्की, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो ये जो मोनार्की और डेमोक्रेसी है भाई, ये गवर्नमेंट टॉपिक से पूछा गया है। जो आपका टॉपिक है ना, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, इसके पहले जो एक टॉपिक और बनता है, जो कि है व्हाट इज गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में नहीं दिया है। तो इसीलिए अभी मैंने इसको सिलेबस में, अभी मैंने इसको वीडियो में नहीं डाला है, क्योंकि बिल्कुल A to Z सिलेबस बेस्ड कर रहे हैं। तो लास्ट में जब हम, जब हमारा EVS खत्म हो चुकेगा, तो जब हम MCQ स्टार्ट करेंगे, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब हम अपनी सीरीज क्वेश्चंस की स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे डालेंगे, एक भी क्वेश्चंस ऐसे हम अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ेंगे यार, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट टॉपिक से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मरीडियन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मरीडियन यानी कि मानक देशांतर। तो वो चीज़, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन अगेन लिख लीजिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम से एक और क्वेश्चन निकल के आया है। नेक्स्ट है 9th 5-year plan। तो ये 5-year plan से पूछा गया है, लिख लीजिए क्वेश्चन, 5-year plan से एक आया गया है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर पूछे गए हैं भाई। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, फिर से मैं आपको मेंशन करती हूँ ये चीज़। लेकिन अब जब इसमें हमारे से क्वेश्चन पूछा गया, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक भी एक बार ज़रूर देखेंगे, उसके ऊपर ऊपर की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पढ़ने चले, तो वो पूरी पॉलिटी कवर करेगा, और वैसे भी आप पॉलिटी GK के पोर्शन में कवर करेंगे ही करेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वो आप ज़रूर अटेम्प्ट उसको कर पाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप पॉलिटी में, GK में, अपना GK में पॉलिटी का टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग वाला जो है, ये क्रॉपिंग से पूछा गया है, लिख लीजिए, क्रॉपिंग से पूछा गया है, और ये क्रॉपिंग वाला भी सिलेबस में दिया गया है।
ओके नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड इट्स एटमोसफियर। तो ये वाटर साइकिल से पूछा गया, यानी कि वाटर रिसोर्सेज का एक टॉपिक अपना निकल कर के आया है, लिख लीजिए। देखिए एयर से हो गया, लैंड रिसोर्सेज से हो गया, वाटर रिसोर्सेज से हो गया। तो आप देख सकते हैं हर हर यू नो हर सिलेबस के हर टॉपिक को टच कर रहा है हमारा पेपर। उसके बाद ये है लोकल टाइम, तो ये अगेन फिर से हमारा टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिख लीजिए इसको, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है ये अपना हॉर्स एंड ग्रेबन आर बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये पूछा गया है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ से। तो इसको बिल्कुल करने वाले हैं अपन लोग, क्योंकि अभी हमें अपना यू नो एक पार्ट ईवीएस के सिलेबस का है जो कि बिल्कुल नीचे दे रखा है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स टाइम मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी कवर करनी है, रह गई हैं, तो अभी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, फटाफट से स्पीड करनी पड़ेगी। तो ये वहाँ से आया, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ से ये टॉपिक निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से। तो ये हेल्थ सर्विसेज से पूछा गया गाइस, मैं आपको बताऊंगी कहाँ से टॉपिक में सिलेबस में कहाँ से आई है। तो ये हेल्थ सर्विसेज से पूछा गया है। 147 है सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, लोकल गवर्नमेंट का ये टॉपिक है, क्वेश्चन है लोकल गवर्नमेंट का, ये क्वेश्चन है सेक्रेटरी वाला, और ये अपॉइंट करता है गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बताया एकमात्र ऐसा इंसान जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है लोकसभा अपने उसमें लोकल गवर्नमेंट में, तो सेक्रेटरी हो गया वो, यानी कि लोकल गवर्नमेंट इन द सेंस कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के इलाकों में सेक्रेटरी को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो लोकल गवर्नमेंट से निकल के आया ये टॉपिक, करा दिया है मैंने इसको, ध्यान दीजिएगा, नहीं किया तो अब ज़रूर करिएगा इस, अब ऐसे ढील देने का समय नहीं है, बिल्कुल कमर कसने का समय है। यस ओके सेंसस ऑफ इंडिया से एक और क्वेश्चन निकल कर के आया है, सेंसस ऑफ इंडिया ये चौथा क्वेश्चन हो गया भैया सेंसस से, बाप रे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैज़ अथॉरिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेन। अच्छा देखिए ये पूछा गया है गवर्नमेंट की कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो ट्रेन व्रेन का मामला देख रही है, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है। तो आप बताइए कि ये कौन सी गवर्नमेंट है जो कि दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक की ट्रेन को इंट्रोड्यूस करती है। तो ऑफ कोर्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये। ठीक है, तो ये फिर से ये गवर्नमेंट के टॉपिक से क्वेश्चन निकल करके आया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 150th क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा गया है आपका द फार्मर्स कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अगेन लैंड रिसोर्सेज से एक और क्वेश्चन निकल करके आ चुका है। तो अब हम देखेंगे अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, कहाँ से निकल के टॉपिक आए हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं एक और चीज़ कि आपने जो ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ वगैरह शेयर करती हूँ, तो आप मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो चैनल है गाइज, इस पर ना तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं और ना ही उस हिसाब से इतने व्यूज़ आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि अभी लोग सीरियस नहीं ले रहे इस चीज़ को, सीरियस नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं सीरियस ले रहे हैं, मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे। तो नोटिफिकेशन का अगर आप वेट कर रहे हो तो यार फिर नोटिफिकेशन का वेट ही करते रहो, और यू नेवर नो कब नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अप्रैल तक नोटिफिकेशन आपका निकल जाएगा, तब खुद ही लगा सकते हैं फरवरी मार्च, तो 2 से 2.5 महीने ही हैं आपके पास, और उसके बाद अगर अप्रैल के बाद अगर आपको पढ़ाई करनी है तो वो आपकी अपना कॉल है, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई नहीं, उसके बाद रिविजन का टाइम होता है, परफेक्ट जो कैंडिडेट अगर उसको जॉब चाहिए तो भाई यही मैंटेलिटी होती है, बाकी आपका पता नहीं मेरे को। तो इसलिए आप चीज़ों को सीरियसली लें, जो क्वेश्चन हो, जो डाउट हो, या जो भी दिमाग में चल रहा हो वो मेरे से क्लियर करें। मेरी पीडीएफ इंग्लिश में होती हैं, इंग्लिश में ज़रूर होती हैं, लेकिन उनको मैं यूट्यूब पे समझाया हुआ होता है वो कंटेंट, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले बंदे हैं तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ हिंदी को ही ढूंढें आप जा जाके, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे तो इंटरव्यू में क्या आप इंटरव्यू, क्योंकि अगर वो इंग्लिश में इंटरव्यू आपसे बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में ही आंसर करना होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्शन, मतलब उसी तरह से आप करेंगे। हिंदी में पूछा तो हिंदी में आंसर करेंगे, इंग्लिश में पूछा तो आप हिंदी में थोड़ी ना आंसर करेंगे, इंग्लिश में ही आंसर करेंगे, और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इंग्लिश में अगर आप पीडीएफ नहीं पढ़ पा रहे हो तो बहुत ही दुख की बात होगी गाइज, और नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैंने ये भी कहा है कि यूट्यूब पर मैंने उसको हिंदी में समझाया हुआ है, तो आप उसको हिंदी में समझ सकते हो, वहाँ से अपने नोट्स खुद से बना सकते हो, तो नॉट अ बिग इशू। ठीक है, हिंदी हिंदी मत करो, क्योंकि अगर केवीएस में हो तो इंग्लिश मस्ट है, राइट। नेक्स्ट चीज़ आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि हाँ सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो उस पर ना जाके व्यूज़ पे, सब्सक्राइबर्स पे ना जाके कंटेंट पे जाइए, क्योंकि मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ कि अभी तक यूट्यूब पे ये कंटेंट केवीएस पीआरटी का कंटेंट इतनी
बेहतरीन तरीके से मेरे हिसाब से नहीं दे रहा है अभी तक कोई, अभी तक तो नहीं दे रहा है, आगे शुरू कर दे तो मुझे नहीं पता, और अच्छी बात है आपकी हेल्प होगी, ठीक है ना। तो इसलिए सीरियसली लीजिए चीज़ों को और पढ़ाई स्टार्ट करिए। राइट, मैंने ये टाइम 3 मिनट यहाँ वेस्ट कर दिया, फटाफट से 1 मिनट में ये चीज़ बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से पहले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उससे 3 क्वेश्चन निकल के आए, लोकल बॉडी से निकल के आए हैं, ठीक है, और आपकी नेशनल बॉडी से निकल करके आया है क्वेश्चन। ओके, आपका हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज से पूछा गया है, यहाँ पे आपका जो हेल्थ एंड सर्विसेज एट विलेज से पूछा गया है, और लिख लीजिए आप इसको भी, नोट डाउन करिए। राइट, पॉपुलेशन से 4 हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं सेंसस टॉपिक से 4 क्वेश्चन निकल कर आ गए हैं, तो यू कैन सी दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ EVS सिलेबस, और सिर्फ KVS PRT के लिए ही नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए सेंसस का एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, आपका डिजीजेस से टॉपिक नहीं पूछा गया है, कोई क्वेश्चन डिजीजेस से नहीं पूछा गया है, तो पिछली बार नहीं पूछा गया तो मे बी इस बार पूछ ले, नो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। उसके बाद है नेचुरल कैलामिटीज से भी क्वेश्चन नहीं आया है मेरे हिसाब से, तो भी नहीं आया है। नेक्स्ट, आपका रिसोर्सेज से क्वेश्चन आया है, एयर से आया, वाटर से आया, लैंड से आया है, ठीक है, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका वाटर रिसोर्सेज से फिर क्वेश्चन आया है, रिवर से नहीं आया है, पर 100% इस बार आएगा क्योंकि रिवर टॉपिक छोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, आपका क्रॉप पैटर्न से क्वेश्चन आया है, टेरेस फार्मिंग वगैरह, मैप ऑफ इंडिया से बिल्कुल क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने आपको बताया, यही टॉपिक्स हमें कवर करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम, टाइम से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं आपने देखा खुद ही, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब यानी कि ठीक है लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस हमें सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आपका है ये आपका कहाँ गया, 5-ईयर प्लान से क्वेश्चन निकल के आया है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन निकल के आया है, एग्जैक्टली नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से नहीं निकल के आया है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है वैसे तो वो, बट स्टिल है तो पार्ट पॉलिटी का ही करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, और जब आप GK पढ़ ही रहे हैं, पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ ही रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी ये तो ये पूछे गए थे आपके टॉपिक्स, ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया है कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, ये भी आपको आइडिया लग गया है। पर मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आपको एक आपका एक थॉट वो क्लियर हो जाए कि पता नहीं यार कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इतने टफ भी नहीं आते हैं पर इतने इजी भी नहीं आते हैं, और अगर आप 30 में से अगर आप 27 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी एनवायरमेंटल साइंस का। इसके बाद मैं साइंस का भी लेकर आऊँगी, साइंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी को टफ लग रही है पर उसको भी हम बहुत ही इजी वे में ख़त्म कर देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी अब ये सोचना बंद करिए कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको ये बता दूँ फुल NCERT है, NCERT पढ़ लो, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और NCERT भी कितनी कितनी पढ़ोगे तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो, इतना भी मैं कह रही हूँ कि NCERT मैं करा रही हूँ, NCERT प्लस में अगर मुझे NCERT में चीज़ें कम लग रही है तो प्लस में चीज़ें और ऐड भी करती हूँ, तो उसकी भी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है ना, तो प्रॉपर कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू गाइज, तो उसकी टेंशन मत लो, फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे रखो। थैंक यू गाइज, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, एंड होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड गुड नाइट।